दोस्तों, इस वक्त की बेहद और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। भारत और चीन के बीच तनाव अब भी जारी। आपको बता दें, भारत और चीन के बीच एलएसी पर लद्दाख के चूमर डेम चौक क्षेत्र में टैंक और पैदल सेना के वाहनों को तैनात किया जा रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि चीन के साथ जारी सीमा विवाद के बीच भारतीय सेना ने एलएसी पर लगातार अपनी रणनीति को अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। सेना ने बीएमपी 2 इन्फैक्ट्री कॉम्बैक यानी व्हीकल्स के साथ T-19 और T-72 टैंकों की तैनाती की है। इन टैंकों की खासियत है कि इनमें -40 डिग्री सेल्सियस यानी -40 डिग्री सेल्सियस ताप के तापमान में संचालित किया जा सकता है। सर्दियों की आहट के बीच सेना की ओर से अब बेहद ही सूझबूझ भरा सामरिक कदम उठाया गया है। बता दें कि सेना की इस तैनाती को लेकर 14 कैपर्स के चीफ ऑफ स्टाफ के मेजर जनरल अरविंद कपूर ने कहा कि फायर एंड फ्यूरी कॉर्पस भारतीय सेना का एकमात्र फॉर्मेशन है और दुनिया में भी ऐसे कठोर इलाकों में यंत्रीकृत बलों को तैनात किया गया है। कुछ दिन पहले ही भारत और चीन के बीच दोनों ओर से फायरिंग हुई थी, लेकिन उस बीच आपको बता दें कि भारतीय सेना को कम जख्मी किया गया था, लेकिन भारतीय सेना में भी लगभग 10 लोग से अधिक मारे गए थे और चीनी सेना में भी जो अफवाह उठाए जा रहे थे कि 40 से अधिक सेना चीनी के भी मारे गए हैं। लेकिन धीरे धीरे जो असर दिख रहा है, ये इससे पता चलता है कि भारतीय वायुसेना और भारतीय सैनिक पूरी तरीके से अलर्ट है। खासकर एलएसी पर तैनात किए जा रहे हैं मिसाइल और हथियारों को देखते हुए चीन को भी ये भी अनुमान लग गया है कि अब भारत डरने वाला नहीं है, क्योंकि भारत जिस तरीके से T-19 और T-72 टैंक को 40 डिग्री सेल्सियस यानी इतनी ठंड में भी एलएसी पर तैनात कर रहे हैं, इससे साफ दिखता है कि चीन को अब इसे डरने की ज़रूरत है।